हाँ राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? संस्कृत शौर्य समूहेन सम्बद्धानां समेषामपि प्रतिभागिनां हृदयेन स्वागतम्। सम्प्रति पूर्वेद्युः अस्माभिः यत् पठितं तस्य आलोचनं पूर्वं क्रियते, तदनन्तरं अग्रे नवीनः पाठः। अस्माभिः पूर्वेद्युः तावत् एकपञ्चाशत्तमकारिकायां गौण मुख्य भेदैः तावत् सिद्धयः पतिताः, अर्थात् सिद्धीनां यत् स्वरूपं तासां सम्यक् तावत् स्वरूपम् अस्माभिः पतितं, यथा अत्र कारिकायां तत्त्वकौमुद्यां च निहितं वर्तते तथा अस्माभिः पतितं। तत्र तावत् ऊह शब्दोध्ययनं दुःख विघाताश्रयः सुहृत् प्राप्तिः दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः पूर्वङ्कुशस्त्रिविधः इति कारिकायाम् अर्थवशात् तावत् व्याख्यानम् अस्माभिः कर्तव्यम्, अर्थानुरोधेन व्याख्यानं कर्तव्यं। तत्र पूर्वं तावत् त्रयः दुःखविघाताः याः वर्तन्ते, अर्थात् आध्यात्मिकदुःखस्य विघातः अभावः, किञ्च आधिदैविकदुःखस्य विघातः अर्थात् तस्य दुःखस्य अभावः, किञ्च आधिभौतिकदुःखस्य अभावः इत्येवं तावत् इत्येतद्दुःखत्रयस्य यः विघातः तद्विघातरूपाः तावत् सिद्धयः तिस्रः वर्तन्ते। ताः तिस्रः वृत्तयस्तावत् मुख्याः वृत्तयः सन्ति। इतराः याः वृत्तयः ताः वृत्तयः तावत् इतराः या सिद्धयः अर्थात् पञ्चसिद्धयः इमाः तिस्रः वृत्तिः अतिरिच्य याः पञ्च इमाः तिस्रः तावत् सिद्धिः अतिरिच्य याः तावत् पञ्चसिद्धयः वर्तन्ते, ताः पञ्चसिद्धयः हेतुमत्तया व्यवस्थिताः वर्तन्ते। ताः सिद्धयः तावत् हेतुतया तत्र वर्तन्ते इति तत्र अस्यां कारिकायां तत्र प्रतिपादितं। तत्र सर्वप्रथमम् एतत् तावत् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् त्रयः तिस्रः दुःखविघातरूपाः सिद्धयः याः सन्ति ताः तावत् मुख्याः वर्तन्ते, ताः केवलं तावत् कार्यभूताः सिद्धयः सन्ति। किञ्च शब्दः ऊहः सुहृत् प्राप्तिः दानसंज्ञकाः याः चतस्रः सिद्धयः ताः तावत् दुःखविघातरूपाणां तिसृणां सिद्धीनां कारणभूताः वर्तन्ते। किञ्च अध्ययनात्मकमिका या तावत् प्रथमा सिद्धिः वर्तते तस्याः सिद्धेः इमाः चतस्रः सिद्धयः तावत् कार्यभूताः वर्तन्ते इति अस्माभिः तस्मिन् दिने तावत् पठितम्। अन्ते च एकैकस्याः सिद्धेः स्वरूपम् अस्माभिः पूर्वं पठितं, तत्र यथा अध्ययनं वर्तते तद्विधिविद्यानां अक्षरस्वरूपग्रहणपूर्वकं यत् अध्ययनं भवति तत् सा तावत् अध्ययनरूपा प्रथमा सिद्धिः वर्तते अध्ययनं। किञ्च तदनन्तरं तत्कार्यं तावत् शब्दः वर्तते, शब्दपदेन तावत् शब्दजनितम् अर्थज्ञानं तत्र गृह्यते, सा च तावत् द्वितीया सिद्धिरस्ति। किञ्च एकैकस्याः सिद्धेः यत् नामान्तरं तदपि अस्माभिः तत्र पठितं, तत्र अध्ययनरूपायाः सिद्धेः तावत् नामान्तरं वर्तते तारमिति, तद्विषये अस्माभिः चर्चितं यद् भवसागरतारणात् सा सिद्धिः तारपदेन उच्यते
किंच द्वितीया सिद्धि अर्थात शब्दरूपाया सिद्धि सा तावत् सुतारम इति उच्यते। सुतारम इत्यस्य अयमेव अभिप्रायः सम्यक् तावत् तारणात् तावत् सुतारपदेन इयं सिद्धि उच्यते। तरणान्तरम् ऊहरूपाया सिद्धि ऊहः अर्थात् तर्कः। तर्क इत्यस्य अयमर्थः आगमाविरोधी यः तर्कः भवति तेन तर्केन तावत् अर्थपरीक्षणं यद् भवति सा तावत् सिद्धिः तावत् ऊहरूपा सिद्धिः तर्करूपा सिद्धिः भवति। सा च तारतारम् इति पदेनापि उच्यते इति ऊहस्य विषये अस्माभिः पठितं। सुहृत्प्राप्तेर्नाम नाम्नी या सिद्धिः वर्तते तत्र ये तावत् एकस्य गुरोः सहाध्यायिनः अर्थात् ये सतीर्थाः भवन्ति ब्रह्मचारिणः भवन्ति तैस्सह यदा शास्त्रचर्चया परस्परं संवादः भवति ततः यद् ज्ञानम् उत्पद्यते सा तावत् सिद्धिः सुहृत्प्राप्तिरूपा सिद्धिर्भवति इति अस्माभिः पठितं। किञ्च दानरूपा या सिद्धिः वर्तते तत्र दैवशोधने इत्यस्मात् धातोः दानशब्दः निष्पद्यते तेन तावत् शुद्धि विवेक ख्यातिरूपा या तावत् सिद्धिः वर्तते सा सिद्धिः तत्र दानपदेन तावत् उच्यते। विवेकख्यातिश्च तावत् यदा अभिप्लवा भवति विवेकख्यातेः यदा शुद्धिर्भवति अभिप्लवा विवेकख्यातिः या भवति सा एव तावत् मोक्षस्य कृते हानस्य कृते उपाय भूता भवति इति तत्र पातञ्जलयोगदर्शने उक्तं विवेकख्यातिरभिप्लवा हानोपायः इति। तत्र अभिप्लवपदस्य च अर्थः शुद्धिः। सा च तावत् वासनासहितसंशयविपर्यासानां तावत् परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहे तावत् स्थितिः वर्तते। एवं प्रकारेण विवेकख्यातेः शुद्धिः कथं भवति इति अस्माभिः पठितं। तत्र दीर्घकालं यावत् आदरपूर्वकं निरन्तरं तावत् यदा अभ्यासः क्रियते तदा तस्य अभ्यासस्य परिपाको भवति। तस्मात् अभ्यासपरिपाकात् विवेक दानरूपायाः विवेकख्याते अर्थात् विशुद्धायाः विवेकख्यातेः तावत् ज्ञानं भवति। सा एव विवेकख्यातिः अत्र दानपदेन दानरूपा सिद्धिः वर्तते इति अस्माभिः सर्वं तावत् तस्मिन् दिने पठितं। तत्र एतदुक्तं यत् तिस्रः जाः सिद्धयः आध्यात्मिकयादयः ताः तावत् तिस्रः मुख्याः सिद्धयः वर्तन्ते। तासां नामानि अपि नामान्तराणि अपि प्रोक्तानि प्रमोदमुदितमोदमानाः इति तासां नामान्तराणि सन्ति। तासां विषयेपि अस्माभिः पठितम्। अस्याः कारिकायाः प्रकारान्तरेण अपि अन्यैः आचार्यैः व्याख्या कृता। सा च व्याख्या एवं वर्तते यत् प्राग्भवीय अभ्यासवशात् तत्त्वस्य स्वयम् ऊहनं तावत् ऊहरूपा सिद्धिः वर्तते। किञ्च शब्दरूपा सिद्धिः का वर्तते तत्र उक्तं यत् यस्य साङ्ख्यशास्त्रपाठम् अन्यदीयम् आकर्ण्य तत्त्वज्ञानम् उत्पद्यते अर्थात् अन्यः कश्चन कस्माच्चित् गुरोः तावत् साङ्ख्यशास्त्रम् अधीते तस्य तावत् पाठं श्रुत्वा तस्य शब्दं श्रुत्वा शब्दपाठानन्तरं यदा ज्ञानं जायते आत्मज्ञानं जायते तदा सा सिद्धिः तावत् शब्दरूपा सिद्धिः भवति इति। किञ्च यस्य आचार्य शिष्याचार्यसम्बन्धेन साङ्ख्यशास्त्रं ग्रन्थतः अर्थतश्च अधीत्य ज्ञानमुत्पद्यते सा तावत् अध्ययनहेतुका सिद्धिरिति अध्ययनरूपा सिद्धिरिति कथ्यते। किञ्च सुहृत्प्राप्तिः अर्थात् येन तावत् सुहृदा तत्त्वम् अधिगतं तादृशं सुहृदं प्राप्य यद् ज्ञानम् उत्पद्यते सा सिद्धिः तावत् सुहृत्प्राप्तिरूपा सिद्धिर्वर्तते। किञ्च दानं यद्वर्तते तस्य व्याख्यानं कृतं यद् धनादिदानेन यदा कश्चन आचार्यः गुरुः ज्ञानी तावत् आराध्यते तेन आराधनेन स तावत् ज्ञानी आचार्यः यदा प्रसन्नो भवति तदा आत्मज्ञानं प्रयच्छति तस्मात् यद् ज्ञानं भवति तत् तावत् तत् ज्ञानं दानरूपा सिद्धिर्भवति इति। तत्र अपरा व्याख्या तावत् अस्याः कारिकायाः कृता। तद्विषये तावत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण उक्तं यत् तत्र दोषोद्भावनम् अस्माभिः न कृतं
सा व्याख्या समीचीन वा न वा इति तावत् विद्वद्भिरेव तत्र निर्णयः कर्तव्यः इति कृत्वा तावत् पर्यन्तं तैः तथा व्याख्यातम्। अन्ते च एतत् प्रतिपादितं यत् सिद्धेः पूर्वंकुशस्त्रिविधः पूर्वः अर्थात् विपर्यया शक्तितुष्टयः पूर्वपदेन अत्र गृहीताः भवन्ति। अतः सिद्धिरूपायाः करिण्याः अर्थात् हस्तिन्याः अंकुशभूताः इमाः तावत् तिस्रः अर्थात् विपर्यया शक्तितुष्टयः भवन्ति इति कृत्वा सिद्धिपरिपन्थित्वात् विपर्यया शक्तितुष्टयः तावत् अस्माभिः हेयाः इति अन्ते अस्माभिः पठितम्। इसके पश्चात हमें आगे की कारिका जो पढ़नी है वहाँ से हम अब हिंदी भाषा में उसको प्रारंभ करते हैं। अब तत्वकौमुदी का आगे की जो कारिका है उस कारिका की अवतरणिका प्रस्तुत करते हैं। स्यादेतत् पुरुषार्थ प्रयुक्ता सृष्टि ही, यह जो सर्ग है वो पुरुषार्थ के लिए है अर्थात पुरुष को भोग, पुरुष का अर्थ अर्थात प्रयोजन क्या है, पुरुष का भोग और तत्पश्चात अपवर्ग। तो भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है उसी से इस सृष्टि की प्रवृत्ति होती है। सृष्टि तत्प्रयुक्ता है अर्थात भोगापवर्ग पुरुषस्य भोगापवर्ग प्रयुक्ता सृष्टि ही, पुरुष का जो भोग और अपवर्ग तत्प्रयुक्त यह सृष्टि है ये पहले बताया गया। और सच पुरुषार्थः प्रत्यय सर्गाद् वा तन्मात्र सर्गाद् वा सिध्यति इति कृतम उभय सर्गेन। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठा रहे हैं कि यह जो सृष्टि है पुरुष जिसके लिए यह सृष्टि होती है पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए, वह जो पुरुषार्थ है अर्थात भोगापवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है वो चाहे प्रत्यय सर्ग से अर्थात बुद्धि सर्ग से अथवा तन्मात्र सर्ग से, प्रत्यय सर्ग का ही दूसरा नाम बुद्धि सर्ग भी है भाव सर्ग भी है। हाँ, तो दो प्रकार का जो सर्ग है, दो प्रकार की जो सृष्टि है, एक सृष्टि भाव रूप सृष्टि है भाव सर्ग है और जिसका दूसरा नाम प्रत्यय है, क्योंकि प्रतीयन्ते विषयः अनेन इति प्रत्ययः अर्थात बुद्धि ही, और बुद्धि के ही जो है धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य ये चार जो हैं सात्विक भाव है, और अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये चार जो हैं तामस भाव है। तो इसीलिए इसको भावसर्ग नाम से भी कहते हैं, बुद्धिसर्ग नाम से भी कहते हैं, प्रत्यय सर्ग नाम से भी कहते हैं। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए ये कहते हैं कि ये जो प्रत्यय सर्ग है इसके द्वारा भी पुरुषार्थ हो सकता है अकेले, अथवा तन्मात्र सर्गाद् वा, अथवा जो तन्मात्र सर्ग है जिसको जिसका दूसरा नाम लिंग सर्ग है माने सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस प्रकार के जो ये तन्मात्र है इनका जो सर्ग है उनको हम कहते हैं लिंग सर्ग या तन्मात्र सर्ग। इसके अंतर्गत लिंग शरीर और जो सात्कौशिक के जो स्थूल शरीर ये दोनों आते हैं, इंद्रिय सहित जो मन अहंकार और बुद्धि वो जब तन्मात्र के साथ युक्त हो जाती है तब वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इसीलिए महदादि सूक्ष्म पर्यंत कहा गया है, महत्त्व से लेकर के सूक्ष्म अर्थात तन्मात्र पर्यंत जो ये अष्टादशावयवात्मक सूक्ष्म शरीर है उसको सूक्ष्म पद से भी कहा जाता है, लिंग पद से भी कहा जाता है। और षाटकौशिक शरीर जिसमें माता से तीन कोष और पिता से तीन कोष की प्राप्ति होती है तो ये सब जो हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि पंच भूत विकार स्वरूप जो स्थूल शरीर है पांच भौतिक शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है ये दोनों को तन्मात्र सर्ग के अंतर्गत हमको समझना चाहिए। तो ये जो तन्मात्र सर्ग है इस तन्मात्र सर्ग से भी पुरुष को भोग और अपवर्ग प्राप्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे केवल प्रत्यय सर्ग से चाहे केवल तन्मात्र सर्ग से उससे पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कृतम उभय सर्गेन
इसी बात को कहते हैं सच पुरुषार्थ प्रत्यय सर्गात बा तन्मात्र सर्गात बा, दोनों में से ये विकल्प चुन लीजिए कि चाहे प्रत्यय सर्ग से चाहे तन्मात्र सर्ग से पुरुष को भोग या अपवर्ग प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कृतम उभय सर्गे न, दोनों सर्ग को स्वीकार करने की क्या जरूरत है, एक भाव सर्ग और एक जो है लिंग सर्ग, इस प्रकार से दोनों प्रकार के सर्ग दोनों प्रकार के सृष्टि को मानने की क्या जरूरत है। उसी का उत्तर देते हुए सांख्य कारिकाकार कहते हैं न बिना भावैर्लिंगम न बिना लिंगेन भाव निर्वृत्ति ही लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। तो यहाँ कहते हैं कि भावै ही बिना लिंगम न भवति, भावै ही बिना लिंगम न भवति, जो धर्मादि जो आठ भाव भाव है बुद्धि के, धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य रूप जो आठ भाव है उसके बिना लिंगम अर्थात तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाला जो यह लिंग सर्ग है, लिंग सर्ग के अंतर्गत भोग्य शब्दादि और भोग साधन जो शरीर, तो ये कहते ये दोनों ही भाव ही बिना भाव के बिना बुद्धि के अस्तविद भाव के बिना ये दोनों ही न भवती उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो लिंग है लिंग रूप जो सर्ग है सृष्टि है उसके बिना लिंगे न बिना भाव निवृत्ति ही अर्थात भोग्य जो शब्दादि और भोग साधन जो शरीर है उनके बिना भाव निवृत्ति ही अर्थात धर्मादि भावों की उत्पत्ति अर्थात भाव विशिष्ट जो बुद्धि उसकी भी भोग साधनता सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए ये कहा न बिना भावै हि लिंगम न बिना लिंगेन भाव निवृत्ति ही, इस कारण से कहा कि लिंगाख्यो भावाख्य तस्मात् अर्थात प्रत्येक के बिना एक दूसरे के बिना चूंकि उसका जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप असंभव है इस कारण से भावाख्य और लिंगाख्य एक लिंग नामक और एक भाव नामक जो सर्ग है दो प्रकार का स्वर्ग है वो दोनों प्रकार के सर्ग की सृष्टि की प्रवृत्ति होती है बताया गया कारिका में। तो कारिका का सामान्य अर्थ हम लोगों ने जाना, अब इसके बाद उसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग देखें। न बिना इति, न बिना तो ये प्रतीक है और लिंगम इति तन्मात्र सर्गम उपलक्ष्यति, अभी अभी जैसे हमने कहा यहाँ लिंगम का जो तात्पर्य है वो तन्मात्र सर्ग है, तन्मात्र से उत्पन्न होने वाला जो लिंग सर्ग है उसे को लिंग पद से कहा गया, इसलिए यहाँ पर कहा लिंगम इति तन्मात्र सर्गम उपलक्ष्यति। और भावैः बिना लिंगम न, तो उसमें भावैः जो पद है उस पद के द्वारा क्या लेना है, तो कहते भावैः इति प्रत्यय सर्गम अर्थात प्रत्यय सर्गेन बिना, प्रत्यय सर्ग के बिना, ये भावैः बिना का तात्पर्य हुआ प्रत्यय सर्ग के बिना धर्मादि जो आठ भाव है उसके बिना ये अर्थ हमको लेना है। एतदुक्तं भवति, इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, क्या कहते हैं, एतदुक्तं भवति तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं स्वरूपं च न प्रत्यय सर्गाद् विना भवति। तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं, जो तन्मात्र सर्ग है वह जो है पुरुषार्थ का साधन नहीं हो सकता है, एतद् तन्मात्र सर्गस्य पुरुषार्थ साधनत्वं और स्वरूपं च, तन्मात्र सर्ग का जो स्वरूप है ये दोनों ही न प्रत्यय सर्गाद् बिना भवति, प्रत्यय सर्ग के बिना संभव नहीं है, भाव सर्ग के बिना यह संभव नहीं है। और आगे कहते हैं एवं प्रत्यय सर्गस्य स्वरूपम, ठीक उसी प्रकार से जो भाव सर्ग धर्मादि जो भाव है उन भाव का जो स्वरूप है वह स्वरूप भी पुरुषार्थ साधनत्वम च, और उनका पुरुषार्थ साधन होना पुरुषार्थ सिद्धि में हेतु होना ये दोनों ही
लिंग के बिना संभव नहीं है, उसीलिए कहते हैं एवं प्रत्यय स्वरूपम पुरुषार्थ साधनत्वम च न तन्मात्र सर्गात्रिते। तन्मात्र सर्ग अर्थात तन्मात्र सृष्टि, लिंग सृष्टि जो है उसके बिना ये संभव नहीं है। इति उभयथा सर्गवृत्ति, इसीलिए दोनों प्रकार से सृष्टि होती है, दो प्रकार की सृष्टि इसीलिए मानी गई है, एक भाव नामक सृष्टि और दूसरा जो है लिंग नामक सृष्टि। इस प्रकार से ये कहा कि भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीरद्वयम् च अंतरेण संभवति इति उपपन्नः तन्मात्र सर्गः। उसमें तन्मात्र सर्ग की अपेक्षा क्यों है, क्यों तन्मात्र सर्ग को स्वीकार करना आवश्यक है, उसके बिना ये संभव नहीं है, तो उसको बतलाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि भोगः पुरुषार्थः न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीरद्वयम् च अंतरेण। भोग रूप जो पुरुषार्थ है, दो प्रकार का पुरुषार्थ है, एक है पुरुष को भोग प्रदान करना, यह एक पुरुषार्थ है, और दूसरा जो है अपवर्ग अर्थात मोक्ष, ये जो है दूसरा पुरुषार्थ है। उसमें से जो भोग रूप पुरुषार्थ है, वह जो पुरुषार्थ है भोग पुरुषार्थ, न भोग्यान शब्दादीन, भोग्य जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भोग्य है, ये भोग्य जो है वो भोग रूप पुरुषार्थ है, तब तक सिद्ध नहीं होता हो सकता है जब तक भोग्य शब्दादि न हो। भोग्यादीन शब्दादीन अंतरेण, भोग्य जो शब्द आदि है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जब तक ना हो तो भोग किसका, ये प्रश्न उठेगा। इसलिए भोग रूप पुरुषार्थ भोग्य शब्द आदि के बिना संभव नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरे किसके बिना, तो कहते भोगायतनम शरीरद्वयम च अंतरेण। भोगायतन जो दो शरीर है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो ये दोनों ही जो हैं तन्मात्र सर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए कहा कि भोगायतनम शरीरद्वयम च अंतरेण, भोगायतन जो दो शरीर है उस शरीर के बिना, उन दोनों शरीर के बिना भी यह भोग संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्थूल शरीर के बिना जो सूक्ष्म शरीर है वो भोग नहीं कर सकता है, तो उसके भोग करने के लिए स्थूल शरीर की भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था ये दोनों ही जो हैं भोग साधन है, इस कारण से कहा कि भोग साधन जो दो शरीर है, भोगायतन जो दो शरीर है, उन दो शरीरों के बिना पुरुषार्थ जो भोग रूप पुरुषार्थ है वह भोग रूप पुरुषार्थ संभव नहीं है। हाँ, भोग पुरुषार्थो न भोग्यान शब्दादीन भोगायतनम शरीरद्वयम् च अंतरेण संभवति। इसीलिए इति उपपन्नः तन्मात्र सर्ग, इसीलिए तन्मात्र सर्ग को मानना आवश्यक है, इस सृष्टि को मानना आवश्यक है। एवं सैव भोगः भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतःकरणानि च अंतरेण न संभवति। अब जो भाव सर्ग है, प्रत्यय सर्ग है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको बतलाते हुए, भावसर्ग की आवश्यकता बतलाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि एवं सैव भोगः, ये जो पुरुष को भोग रूप जो पुरुषार्थ हम प्रदान करना चाहते हैं वह जो भोग है, भोग साधनानि इंद्रियाणि अंतःकरणानि च अंतरेण न संभवति। भोग के साधन जो इंद्रिय है, क्योंकि हम सुख दुख आदि जो भोग है वो भोग किसके द्वारा करते हैं, इंद्रिय के माध्यम से करते हैं, इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय रूपी जो प्रणालिका है उसके माध्यम से हमारा चित्त, जिसके अंतर्गत बुद्धि भी है, तो वह विषय तक पहुंच करके जब तक विषयाकार आकारित ना हो जाए, और वह विषयाकार आकारित बुद्धि जब तक पुरुष में प्रतिबिंबित ना हो जाए, तब तक प्रतिबिंब विधया जो पुरुष का भोग है वह भोग संभव नहीं है। उसके लिए वो बुद्धि सर्ग की, प्रत्यय सर्ग की आवश्यकता है। उसी बात को समझाते हुए यहाँ कहते हैं एवं सैव भोगः, ये जो भोग है वह भोग साधनानि इंद्रियाणि, भोग के साधनभूत जो इंद्रिय है, और दूसरा साधन क्या है, अंतःकरण,
इंद्रियों का कार्य जो है इंद्रिय एक प्रणाली के रूप में है, और जो अंतःकरण है अर्थात चित्त है वही जो है इंद्रिय रूपी नालिका के माध्यम से विषय के साथ संपर्क साध करके विषयाकार आकारित जब अंतःकरण हो जाए और विषयाकार आकारित जो अंतःकरण है वो जब तक उस बुद्धि में प्रतिबिंबित पुरुष में जब तक वो प्रतिबिंबित ना हो जाए तब तक भोग संभव नहीं है। इसलिए कहा कि एवं सएव भोगो भोग साधनानि इंद्रियानि और अंतःकरणानि च अंतरेण इन दो के बिना न संभवति यह भोग संभव नहीं है। नचतानि अर्थात नचतानि अंत यही अंतःकरणादीनि धर्मादीन भावान विना संभव संभवन्ति। ये धर्म आदि जो धर्म ज्ञान विराग ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये जो हैं ये जो भाव है इन भावों के बिना जो करण है वो करण इन भावों के बिना संभव नहीं है। इसी को यही कहते हैं नचतानि माने करणानि धर्मादीन भावान बिना संभवन्ति। धर्म आदि भाव के बिना वे संभव नहीं है। इसलिए नच यहाँ तक ये भोग के विषय में कहा कि भोग रूप जो पुरुषार्थ है उसके लिए ये दोनों प्रकार के सर्ग की आवश्यकता है, और जो अपवर्ग रूप जो अर्थ है पुरुषार्थ है उसके लिए किस प्रकार आवश्यक है उसको कहते नच अपवर्ग हेतुर विवेक ख्यातिर उभय सर्गम बिना। तो अपवर्ग का हेतु कौन है? विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति ये है जिसका दूसरा नाम है सत्व पुरुषान्यता ख्याति। बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषस्य अन्यः इत्याकारक जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति है बुद्धि सत्व भिन्न है और पुरुष भिन्न है इस प्रकार दोनों के भेद की जो ख्याति है अर्थात ज्ञान है विवेक उसी को दूसरे शब्द में हम विवेक ज्ञान कहते हैं। वो तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों प्रकार के जो सर्ग है वो ना हो, क्योंकि ये विवेक ख्याति तभी ना होगी जब बुद्धि भी है और साथ साथ पुरुष भी है दोनों। तो इसीलिए वहाँ पर वही कहते हैं ये विवेक ख्याति पदार्थ तत्व ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसलिए उसके पदार्थ ज्ञान के लिए विषय के साथ जो संबंध है विषय की जो अपेक्षा है इन सारी बातों के कारण ये जो है सत्व पुरुषान्यता ख्याति जो है वो बुद्धि सापेक्ष है। इस कारण से वही बताया कि दोनों प्रकार के सर्ग के बिना ये भोग रूप जो पुरुषार्थ है और जो अपवर्ग रूप पुरुषार्थ है ये दोनों ही चूंकि संभव नहीं है इस कारण से इति उपपन्न उभय विध सर्ग दोनों प्रकार के सर्ग को मानना दोनों प्रकार के सृष्टि को मानना आवश्यक है। आगे कहते हैं एक शंका उपस्थित यहाँ हो जाती है कि जो धर्मादि भाव है अर्थात बुद्धि के जो धर्म अधर्म आदि भाव है उसको शरीर की अपेक्षा है और शरीर को धर्माधर्मादि जो भाव है उन भावों की अपेक्षा है। माने दोनों को दोनों की अपेक्षा अगर है तो इसका मतलब हुआ दोनों अन्योन्याश्रित हुआ। तो अन्योन्याश्रय जो है एक दोष होता है, तो ये दोष इसमें उपस्थित होने के कारण ये इस प्रकार दोनों को जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये पूर्व पक्षी के ओर से ये आशंका उपस्थित होती है, उसी का उत्तर देते हुए यहाँ पर आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि यहाँ जो अन्योन्याश्रय है वो दोष नहीं है, क्योंकि उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि अनादित्वाच्च बीजांकुरवत् न अन्योन्याश्रय दोषम आवहति। तो कहते हैं ये जो बीज और अंकुर, पहले बीज है या अंकुर है, बीज को अंकुर के प्रति कारण माने और अंकुर जब उत्पन्न हो तब फिर उसमें बीज हो और फिर उस बीज से फिर अंकुर हो, तो इस प्रकार से
बीज और अंकुर में जो है अन्योन्याश्रय जो है इसको दोष नहीं स्वीकार करते हैं, उसी को कह रहे बीजांकुरवत्। अर्थात जिस प्रकार बीज और अंकुर में पहले कौन है, बीज है या अंकुर है, जो पहले है वो कारण है और बाद में जो है वो कार्य है, तो इनमें जो है एक दूसरे पर आश्रित होने का जो दोष, बीज के बिना अंकुर संभव नहीं, अंकुर के बिना बीज संभव नहीं, तो इस प्रकार अन्योन्याश्रय होने पर भी इस अन्योन्याश्रय को जिस प्रकार से दोष के रूप में नहीं मानते हैं, ठीक से यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ अनादि होने के कारण ये जो सृष्टि है, जो सर्ग है, वो चूंकि अनादि है, इसके अनादि होने के कारण यहाँ भी बीजांकुर की भांति जो अन्योन्याश्रय है वो दोषावह नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसका निवारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न फिर से प्रारंभ प्रश्न एक उपस्थित हो जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ना कोई भाव हो सकता है और ना ही कोई तन्मात्रादि जो शरीर है वो शरीर संभव है, तो दोनों में से एक भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों में परस्पर अपेक्षा कैसे हो, न भाव है और न लिंग है, अर्थात न बुद्धियादि उसमें वो है न तन्मात्रादि है। ऐसी स्थिति में सृष्टि के प्रारंभ में एक दूसरे की अपेक्षा कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि कल्पादौ अपि प्राचीन कल्पोत्पन्न भाव भावलिंग संस्कार वशात भावलिंगयोर उत्पत्ति न अनुपपन्ना इति सर्वम अवधातुम। कहने का तात्पर्य यह है कि कल्पादौ अपि अर्थात सृष्टि के आरंभ में भी, जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुआ उस समय भी क्या है, ये कहते हैं कि प्राचीन कल्पोत्पन्न भावलिंग, उसके पूर्व के जो कल्प है, पूर्व की जो सृष्टि है, पूर्व का जो सर्ग है, उसमें जो उत्पन्न हुआ भाव सर्ग और लिंग सर्ग, उस उनमें जो संस्कार पहले से विद्यमान थे, उन संस्कारों के कारण संस्कार वशात भावलिंग और उत्पत्ति ही, भाव सर्ग और लिंग सर्ग की उत्पत्ति इस कल्प में हो जाएगी, इसमें कोई किसी प्रकार की अनुपपत्ति की बात नहीं है। इस कारण से ये कहते हैं कि सर्वम अवदातम, सब कुछ यहाँ सुस्पष्ट है, इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं है। इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने दो प्रकार की सृष्टि मानना क्यों आवश्यक है, ये इस 52वीं जो कारिका है, इस कारिका के द्वारा उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब जो 53वीं कारिका है उसका उसको प्रारंभ करने के लिए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं विभक्त प्रत्यय सर्ग, प्रत्यय सर्ग का जो विभाजन है, भेद है, वो सब पहले प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर कहते भूतादि सर्गम विभजते, जो भूतादि सर्ग है उस भूतादि सर्ग का विभाग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके जो भेद है उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अष्ट विकल्पो दैव स्थैर्य मानुषकश्चैक विधः समासतो भौतिक सर्ग, यहाँ ये बता रहे हैं कि दैवः, दैवः का अर्थ है देवानाम, अयमिति दैवः अर्थात जो देवताओं का जो सर्ग है, जो सृष्टि है, वो अष्ट विकल्प है, उसके अष्टौ विकल्पाः जस्मिन् असौ अष्ट विकल्प है, जिसमें आठ विकल्प है, आठ भेद है, आगे बताएंगे स्वयं आचार्य वाचस्पति मिश्र, ब्राह्म है, प्रजापत्य है, ऐन्द्र है, पैत्र है, गांधर्व है, याक्ष है, राक्षस है, पैशाच है, ये आठ प्रकार के जो हैं दैव सर्ग है, इसलिए कहा अष्ट विकल्पो दैव। और तैर्यक जोनश्च पंचधा भवति, जो तैर्यक जोन का तात्पर्य है तैर्यक जोनो भव इति तैर्यक जोन, जो पशु पक्षी आदि है उनका जो सर्ग है, उनकी जो सृष्टि है
वो सृष्टि पंचधा, पांच प्रकार की वह सृष्टि है, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। पशु है, मृग है, पक्षी है, सरीसृप है और स्थावर है, वृक्षादि है। तो इस प्रकार से पांच प्रकार के जो तैयक यौन रूप जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि है, उसको बताया कि वो पांच प्रकार की है। और मानुषकश्च एकविधः, मानुषकः अर्थात मनुष्यानाम अयमिति मानुषकम, जो मानुषकः अर्थात मनुष्य योनौ भवः, मनुष्य योनि में उत्पन्न होने वाला जो है उसको कहेंगे मानुषकः, अर्थात मनुष्यों की जो सृष्टि है, जो सर्ग है, वह सर्ग एकविधः, एक प्रकार की सृष्टि है, वो एक ही प्रकार का मनुष्य का सर्ग है। इस प्रकार से इस कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। अब इसी की व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। अष्टविकल्प इति, अष्टविकल्प कौन कौन से है ये बताया कि दैव अष्टविकल्प, जो दैव सर्ग है वो दैव सर्ग अष्टविकल्प वाले हैं, आठ विकल्प वाले हैं। वे विकल्प कौन कौन से है उसको बता देते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच, ये इनके जो हैं आठ विकल्प है, ये आठ विकल्प इनके दैव सर्ग के, ये आठ विकल्प है। इनमें से जो इंद्रलोक में जो सर्ग है उसको इंद्र सर्ग कहते हैं, और आर्यमा आदि जो पितर है उन पितरों के लोक में जो सर्ग है उसको पवित्र सर्ग कहते हैं, और मेरु के पृष्ठभाग में गंधर्व लोग निवास करते हैं ऐसी प्रसिद्धि है, और उसके अनुसार मेरु के पृष्ठभाग में जो गंधर्व लोक है उसका जो सर्ग है उसको गांधर्व सर्ग कहते हैं, और वरुण लोक में जो सर्ग है उसको याक्ष सर्ग बोलते हैं, और अटल आदि जो पाताल लोकों में, अधोलोकों में जो सर्ग है, सृष्टि है, वो सृष्टि राक्षस और पैशाच की सृष्टि है, राक्षस और पैशाच का सर्ग है। इस प्रकार से इनका निरूपण इसमें किया गया। अब इसके बाद इसकी व्याख्या आगे कहते, तैरियक जोनस्य पंचधा भवति। तीरियक जोनी वाली जो सृष्टि है, तीर्यक गमन करने वाले जो पक्षी आदि है, तीर्यक जोनो भव तैर्यक जोना, तो तीर्यक जोनि में उत्पन्न होने वाले जो हैं उनकी जो सृष्टि है वो पंचधा भवती, वो पांच प्रकार की सृष्टि है। क्या क्या है? पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप और स्थावरा। पशु है, मृग है, पक्षी है, सरीसृप है और स्थावर है। इसमें ध्यान देने की बात है कि पशु और मृग का जो भेद है, मृग भी तो पशु ही है, तो इसलिए जिज्ञासा हो सकती है कि पशु और मृग में क्या अंतर है। तो पशु और मृग में जो अंतर है, दो प्रकार से उसकी व्याख्या की गई है कि एक तो जो खुर वाले प्राणी है उनको हम, खुर वाले जो चार पैर वाला प्राणी है उसको हम कहते हैं पशु, और दूसरा बिना खुर के जो होंगे जिस उनको जो है जैसे मूषक, गिलहरी इत्यादि है, वो जो हैं वो खुर रहित होने के कारण उनको कहेंगे मृग। लेकिन दूसरी जो व्याख्या है वो अधिक प्रचलित है, वो ये है कि जो हम घर में जिनको पालते हैं, जो पालतू जो पशु है उनको तो हम पशु शब्द से कहते हैं, और जो आरण्यक है, अरण्य में वन में जो वह पशु विद्यमान है उसको हम कहते हैं वो मृग। तो इस प्रकार से पशु और मृग में ये अंतर हो गया, और पंख वाले जितने हैं उनको पक्षी कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, अल्पचरण वाले या चरण रहित वाले, ऐसे जो सर्प आदि है उनको हम कहते हैं सरीसृप, और स्थावर का तात्पर्य है जो वृक्ष लता आदि है उनको हम स्थावर शब्द से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो तैरियक यौन रूप जो सर्ग है, सृष्टि है, उस सृष्टि पांच प्रकार की है ये बतलाया गया। अब मानुषकश्चैक विधः की व्याख्या कर रहे हैं। इसकी व्याख्या करते हुए आशंका उपस्थित होती है, भाई उसमें ब्राह्मणत्व भी है, क्षत्रियत्व है, वैश्यत्व है, शूद्रत्व है, इस प्रकार से ये सब जो भेद इसमें मिलते हैं, क्या उन भेदों का परिगणन इसमें नहीं होगा? तो
इसका समाधान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि मानुषक सैक विध इति ब्राह्मणत्वाद्यवांतर जाति भेदा विवक्षया। तो कहते इसमें ये जो ब्राह्मणत्व आदि जो जाति भेद है उसकी विवक्षा नहीं की गई है, उसकी अविवक्षा के कारण इसको मानुषक सृष्टि अर्थात मनुष्यों की जो सृष्टि है वो एक ही प्रकार की सृष्टि है ऐसे कहा गया। ऐसा क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, उसको कहते संस्थानस्य चतुर्ष्वपी वर्णेशु अविशेषात्। संस्थानस्य का तात्पर्य है कि जैसे हस्तपाद आदि हम लोगों के जो आकृति रूप जो संस्थान है उस संस्थान के समान होने के कारण सब में संस्थानस्य चतुर्ष्वपी वर्णेशु अविशेषात्, उसमें कोई विशेषता नहीं है। जिस प्रकार के हाथ पैर आदि अंग प्रत्यंग ब्राह्मण में है वही हाथ पैर जो है आदि जो अंग प्रत्यंग है वो क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में भी है। तो इसीलिए ये जो शरीर संस्थान है वो संस्थान सर्वत्र चूंकि समान है उसमें कोई किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, सभी वर्णों में समान रूप से होने के कारण इनको एक विध कहा गया है। इति समासतः माने संक्षेपतः भौतिक सर्ग, समास अर्थात संक्षेप में भौतिक सर्ग का निरूपण यहाँ पर वो किया गया। अब कहते हैं घटादयस्तु अशरीरत्वेपि स्थावरा एव, तो घट आदि जो हैं ये स्थावर के अंतर्गत ही उनकी गणना होती है। जैसे वृक्ष है, घट है, ये जो पदार्थ है ये सब पदार्थ जो हैं स्थावर के अंतर्गत परिगणित है, इसी को बतलाया गया घटादयस्तु अशरीरत्वेपि स्थावरा एव। अब आगे भौतिकस्य अस्य सर्गस्य चैतन्योत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम ऊर्ध्वाधो मध्य भावेन त्रैविध्यम आह। ये जो भौतिक सर्ग है उसकी त्रिविधता बता रहे हैं, त्रैविध्यम त्रिविधस्य भावः त्रैविध्यम, तो तीन प्रकार उसके बतला रहे हैं किसके, भौतिकस्य सर्गस्य। वो तीन प्रकार के पीछे हेतु क्या है, बीज क्या है, कारण क्या है उसको बतलाते हैं। चैतन्योत्कर्ष निकर्ष तारतम्याभ्याम, चैतन्य का उत्कर्ष और निकर्ष, चैतन्य के उत्कर्ष और निकर्ष के तारतम्य से भेद से ये जो भौतिक सर्ग है वो तीन प्रकार के होते हैं इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और तीन प्रकार की जो होती है उसमें ऊर्ध्व अधो और मध्य ये जो है उसका भाग किया गया है, ऊर्ध्व भावेन अधो भावेन और मध्य भावेन। एक ऊर्ध्व सर्ग है, एक मध्य सर्ग है और एक अधः सर्ग है। इस प्रकार से उस भौतिक सर्ग के ये तीन प्रकार इसमें बतलाए गए हैं। अब उसी की व्याख्या यहाँ करने के लिए कारिकाकार कहते हैं ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्ग मध्य रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत। ऊर्ध्वम का तात्पर्य है उच्च सर्ग, ऊपर की ओर जो सर्ग है वो सर्ग कौन सा सर्ग है, देव सर्ग है। वो जो देव सर्ग है वो सत्व विशाल अर्थात उसमें सत्वगुण का प्राबल्य है, सत्वगुण का प्राचुर्य है, सत्वगुण का उसमें उद्रेक अधिक है। इस कारण से वह जो सर्ग है वो सत्व प्रधान है, तो इसीलिए सत्व विशाल कहा गया है। सत्व विशाल कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि उसमें रजोगुण और तमोगुण नहीं है, केवल रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण की अपेक्षा कम होने के कारण, अभिभूत होने के कारण वह जो दैव सर्ग है हैं? उस दैव सर्ग में क्या होता है, सत्वगुण की प्रधानता होती है। इसीलिए कहा उच्च ही ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का तात्पर्य है उच्च ही सत्व विशाल अर्थात देवताओं का जो सर्ग है, देवताओं की जो सृष्टि है वो सत्वगुण से सत्वगुण प्रधान है, इस प्रकार ये बतलाया गया है। और आगे कहते हैं मूलतः अर्थात नीचे ही सर्ग, नीचे की ओर जो सर्ग है, नीचे की ओर सर्ग की दो प्रकार की व्याख्या है। एक व्याख्या तो यह है कि तिर्यक योनि आदि जो हैं सृष्टि वो अपकृष्ट सृष्टि होने के कारण
उसको मूलतः सर्ग कहा गया, माने नीचे का सर्ग है, नीचे की सृष्टि है इस प्रकार। हाँ, तो मूलतः की दो व्याख्या ये हो गई कि एक तो मूलतः का तात्पर्य है को कि जो नीचे की ओर जो सर्ग है, नीचे की ओर का तात्पर्य है जो तिर्यक योनि आदि जो हैं वो अपकृष्टता के कारण उसको मूलतः कहा गया है, मनुष्यों की अपेक्षा ये जो हैं अपकृष्ट होने के कारण जो तिर्यक योनि है वो तिर्यक योनि का जो सर्ग है वो तमो विशाल है, उसमें तमोगुण की प्रधानता है। और दूसरी व्याख्या ये है मूलतः की कि जो अधोलोक है, पाताल आदि जो लोक है वो पाताल आदि लोक, पाताल है, रसातल है, महातल है, तलातल है, सुतल है, वितल है, तो ये सब जो लोक है ये लोक जो हैं अधोलोक है, अधोलोक होने के कारण उनको मूलतः कहा गया है अर्थात नीचे की ओर सर्ग है, यह सर्ग है तमो विशाल है, उसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है, तो ये बताया गया। और मध्य रजो विशाल है, मध्य में अर्थात मध्यलोक जो भूतल है उस भूतल पर जो मनुष्यों का जो सर्ग है ये मनुष्यों का सर्ग रजो विशाल है अर्थात इसमें रजोगुण की प्रधानता है, रजोगुण का प्राबल्य है, रजोगुण का उद्रेक इसमें होता है, इस कारण से इस मध्य में विद्यमान जो मनुष्य लोक है उसको रजोगुण प्रधान लोक कहा गया है, यह सर्ग यह सृष्टि रजोगुण प्रधान है। इस प्रकार से ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ब्रह्म से लेकर के जो स्तंभ अर्थात जो तृण है, तृण पर्यंत जो यह सर्ग है सृष्टि है वो इस प्रकार से विद्यमान है, माने त्रिगुणात्मक है, ये समस्त जो सर्ग है वो त्रिगुणात्मक है, इसको इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो इसी की अब व्याख्या करते हैं, ऊर्ध्वम सत्व विशाल जो प्रभृति सत्यांतो लोक सत्व बहुल, जो लोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत, जो लोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत, जो माने द्यौह माने अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष से लेकर के जिस का दूसरा नाम भुवह है, भुवह लोक है, उसके बाद स्वरलोक है, उसके बाद महालोक है, जनोलोक है, फिर तपहलोक है, फिर सत्यलोक है, इस प्रकार से ये जो लोक है ये लोक ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं, और ये जो लोक है ये सत्वगुण प्रधान लोक है, इस प्रकार से इसको कहा गया कि ऊर्ध्वम सत्व विशाल जो प्रभृति सत्यांतो लोक सत्व बहुल अतमो विशाल मूलतः सर्ग। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते पश्वादि स्थावरांत, ये पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत, पशु से लेकर के स्थावर पर्यंत अर्थात पशु है, पक्षी है, मृग है, सरीसृप है, वृक्ष है, जिसका भेद अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब तमोगुण प्रधान है, इसलिए कहा तमो बहुल पश्वादि स्थावरांत सोयम मोहमयत्वात् तमो बहुल, मोहमय होने के कारण, मोह प्रधान होने के कारण, मोह जो है वो तमोगुण का स्वरूप है, मोह का ही दूसरा नाम है विषाद है, तो वह विषाद प्रधान होने के कारण, मोह प्रधान होने के कारण यह पशु आदि का जो सर्ग है वो सर्ग है तमो बहुल है, तमोगुण प्रधान है, इसी को कहा गया तमो बहुल। भूलोकस्तु सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेशो मध्य रजो विशालो, तो कहते जो भूलोक है वो मध्य में विराजमान है, इसलिए उसको मध्यलोक भी कहा जाता है, मध्य में विराजमान जो भूलोक है वो भूलोक कैसा है, रजो विशाल है, रजोगुण उसमें रजोगुण की प्रधानता है, वो भूलोक सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेश है, उसमें सप्तद्वीपा वसुमती कहा गया है, ये जो पृथ्वी है उसमें सात द्वीप माने गए हैं, तो सप्तद्वीपा होने के कारण यहाँ पर ये कहते हैं कि सप्तद्वीप समुद्र सन्निवेश, जिसमें समुद्र भी विद्यमान है, समुद्रों का भी सन्निवेश है, इस प्रकार का जो ये मध्यलोक है, तो यह मध्यलोक मध्य रजो विशाल है, ये रजोगुण इसमें प्रधान है, रजोगुण का प्राचुर्य है, ये बताया गया है। और
आगे कहते हैं ये धर्मा धर्मानुष्ठान परत्वा दुख बहुलत्वाच्च, इसको रजो विशाल आप क्यों कहते हैं रजोगुण प्रधान इस सर्ग को, मध्य सर्ग को आप रजोगुण प्रधान क्यों कहते हैं? तो कहते इसीलिए कहते हैं कि इसमें धर्मा धर्मानुष्ठान परत्वा, धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का अनुष्ठान दोनों ही जो हैं इसमें ये होते हैं। यज्ञ याग आदि जो धर्म है उन धर्मों का अनुष्ठान भी होता है और हिंसा आदि जो अधर्म है वो अधर्म भी इस लोक में होता है। इस कारण से एक ओर धर्म का अनुष्ठान भी, दूसरी ओर अधर्म का अनुष्ठान भी चूंकि इस लोक में होता है, इस कारण से दुख बहुल परत्वाच्च, इसमें दुख का बाहुल्य है, इस लोक में दुख की प्रधानता है और दुख जो है वो रजोगुण का स्वरूप है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, रजोगुण जो है अप्रीत्यात्मक है अर्थात दुखात्मक है, इसलिए इस लोक को रजो विशाल कहा गया है, रजो बहुल कहा गया है, क्योंकि इसमें धर्म और अधर्म का अनुष्ठान होता है, इस कारण से ये दुख बहुल है। तामिमाम लोक संस्थितिम संक्षिपति, यह जो लोक की संस्थिति है अर्थात लोक का जो यह अवस्थान है, चतुर्दश भुवनों का जो यह स्थान है, भिन्न भिन्न स्थान है, उसको संक्षिपति समास में संक्षेप में बतला रहे हैं। क्या? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत, यहाँ कहते स्तंभ ग्रहणेन वृक्षादय संग्रहीता, स्तंभ पद से यहाँ वृक्ष आदि जो है उनका संग्रह किया गया है, वृक्षादय संग्रहीता। आगे कहते हैं तदेवम सर्गम दर्शयित्वा, इस प्रकार से जो सृष्टि है उसको दिखला करके बतला करके उसको समझा करके तस्य अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनीम दुख हेतुताम आह, यह संसार जो है ये जो सृष्टि है यह अपवर्ग का जो है साधन जो वैराग्य है, वो वैराग्य कैसे संपन्न होगा इस संसार से, उसको ये बताते हैं कि दुख हेतुताम आह। सर्गम दर्शयित्वा माने सृष्टि को दिखा करके यह जो सर्ग है यह जो संसार है वो दुख का हेतु है और दुख का हेतु होने के कारण इस संसार के प्रति वैराग्य होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जब दोष दिखाई पड़ता है किसी वस्तु में, विषय में, तब विषय के प्रति वैराग्य होता है। तो संसार हमारा विषय है, तो संसार रूप जो विषय है उस संसार रूप विषय के प्रति वैराग्य कब होगा? जब उसमें दोष दिखाई पड़ता है, दोष दिखाई पड़ेगा। तो दोष क्या है? तो कहते हैं दुख बहुलता ही उसमें जो है दोष है, दुख का कारण है यह संसार। तो इस कारण से कहते हैं तस्य अपवर्ग साधन वैराग्योपयोगिनीम, तस्य माने तस्य सर्गस्य, ये जो सर्ग है वो अपवर्ग के साधन भूत जो वैराग्य है उसके प्रति उपयोगी कौन है? दुख हेतुता, दुख का हेतु होना, यह अस्य दुख हेतुताम, अस्य संसारस्य दुख हेतुताम, ये जो सर्ग है, ये जो सर्ग है उस सर्ग की दुख हेतुता को बतला रहे हैं, जो कि दुख की हेतुता वैराग्य के प्रति हेतु है, वैराग्य के प्रति साधन भूत है, अपवर्ग के प्रति जो साधन वैराग्य है उसका साधन ही भूत यह है, इसको बताते हैं। वैराग्य तब उत्पन्न होता है जब दोष उसमें दिखाई पड़ता है और दोष है दुख का होना, दुख का हेतु होना, इसी कहते दुख हेतुताम आह, यह सर्ग दुख का हेतु है। तो कैसे है? तो कहते तत्र जरा मरण कृतम दुखम आपनोति चेतन पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन, तत्र लिंगस्य अविनिवृत्ते है, दो पाठ है, लिंगस्य अविनिवृत्ते और आविनिवृत्ते है, लिंग की निवृत्ति, लिंग शरीर की, सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति न होने के कारण अनिवृत्ते है, जब तक सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति न हो जाए तब तक दुखम आपनोति चेतन पुरुष, चेतन पुरुष दुखम आपनोति, जो चेतन पुरुष है वो दुख की निवृत्ति न होने तक
तब वो क्या है, हाँ, लिंग के, लिंग शरीर की निवृत्ति ना होने तक, सूक्ष्म शरीर की निवृत्ति जब तक ना हो तब तक जो है यह जो चेतन पुरुष है वह चेतन पुरुष बुद्धि में, यद्यपि ये बुद्धि से भिन्न है चेतन पुरुष, लेकिन भिन्न होते हुए भी बुद्धि के सान्निध्य के कारण, बुद्धि में प्रतिबिंबित होने के कारण वो जरा मरण कृतम दुखम आपनोति, जराकृत अर्थात वार्धक्य आदि के कारण होने वाला जो दुख है और जो मरण का जो दुख है, मृत्यु का जो दुख है, उस दुख को प्राप्त करता है, भोगता है, वही प्रतिबिंब विधया वह भोग प्राप्त करता है, यही इसका तात्पर्य है। तस्मात दुखम स्वभावेन, इसीलिए कहते हैं इस कारण से, ये चूंकि प्रतिबिंब विधया वह जो आत्मा है, चेतन है, वह उस दुख को प्राप्त करता रहता है, जराकृत दुख और मरणकृत दुख को प्राप्त करता रहता है, इस कारण से दुखम स्वभावेन, स्वभावेन का तात्पर्य है स्वस्य मने आत्मनः भावः, औपाधिक धर्म, औपाधिक धर्म है। ये ध्यान देने की बात है कि जो बुद्धि भी है, जो बुद्धि सुख दुख आदि प्रदान करने वाली है, वह स्वयं भी चेतनवत हो जाती है इस कारण से, और वह चेतन में प्रतिबिंबित भोग सहित अर्थात विषयाकाराकारित होकर के उस पुरुष में प्रतिबिंबित होने के कारण पुरुष को जो भोग है, सुख का भी भोग और दुख का भी भोग उसको करना पड़ता है, तो इसीलिए जरा का भी भोग और मरण का भी भोग उस पुरुष को करना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं। तो ये जो है स्वभावेन का तात्पर्य है स्वस्य आत्मनः भावेन, अर्थात भाव का तात्पर्य है ये जो औपाधिक धर्म है, उसके कारण यह दुख जो है स्वभावतः बुद्धि का धर्म है, लेकिन बुद्धि के सान्निध्य के कारण, बुद्धि के संबंध के कारण, बुद्धि के प्रतिबिंबित होने के कारण वो आत्मा में वह दुख जो है प्रतीत होता है, उस पुरुष में वह दुख की प्रतीति होती है, बुद्धि का जो दुख है वो आत्मा में प्रतीत होने लगता है, तो ये इसी को कहते हैं तस्मात् दुखम स्वभावेन। अब इसी की व्याख्या करते हैं, तत्र इति, तत्र माने शरीर आदौ, शरीर आदि में यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग भागिनः प्राणभेदाः, प्राणभृत भेदा है माने प्राणियों के जो भेद है, विभिन्न जो प्राणी है, उन प्राणियों में विविध विचित्र आनंद भोग भागिनः भेदा, प्राणियों का जो ये भेद है, विभिन्न जो प्राणी है, वे विविध प्रकार के, विचित्र प्रकार के आनंद और विचित्र प्रकार के भोग जो हैं प्राप्त करने वाले होते हैं, विचित्र प्रकार के भोग माने सुख भी भोगते हैं, ऐसा नहीं कि दुख ही दुख भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, तथापि सर्वेषां जरामरण कृतम दुःखम अविशिष्टम, चाहे कोई कितने भी सुखी हो, चाहे कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी ऐश्वर्य संपन्न हो, सब के वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए जरामरण कृतम दुःखम अविशिष्टम, वार्धक्य एक दिन आएगा ही आएगा, उस वार्धक्य के कारण होने वाला जो दुख है और मृत्यु एक दिन निश्चित रूप से प्राप्त होगी, इसलिए मृत्यु से प्राप्त होने वाला, मरण से प्राप्त होने वाला जो दुख है, ये दोनों ही अविशिष्टम, सब में बिल्कुल बराबर है, सबको जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, ये कहा गया है। तो इस प्रकार का जो जरा मरण कृत्य जो दुख है वो दुख अविशिष्ट है सब में। सर्वस्य खलु कृमेर अपि मरणत्रासो, यहाँ तक कि एक जो कृमि, अत्यंत अज्ञ जो एक प्राणी है कृमि, उस कृमि में भी मरणत्रासु, मरण का भय है, इस कारण से वो मरणत्रास कैसे अभिव्यक्त होता है, तो कहते मान भूवम भूयासम इत्येवम आत्मकः अस्ति, वो हम हर प्राणी ये सोचता है माँ न भूवम, हम न रहें ऐसा कभी न हो, माने हमेशा हमारी स्थिति बनी रहे, और भूयासम माने हम हमेशा विद्यमान रहें, इत्येवम आत्मकः, इस प्रकार का कौन ऐसा है जो मरना चाहते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं, जिजीविषा सभी की है, तो इस कारण से ये कहते हैं कि मरण के प्रति जो भय है, वो मरण के प्रति भय वो सभी प्राणियों में है, हाँ, यहाँ तक कि एक जो कृमि है, अत्यंत अज्ञ प्राणी है, उस प्राणी में भी सर्वस्य खलु कृमेरपि मरणत्रासः, उसको मरण का भय है।
दुखम च भय हेतु रीति दुखम मरणम। तो ये दुख जो है वो भय का कारण है। इससे क्या होता है, चूंकि हम सभी प्राणी एक कृमि से लेकर विद्वान पर्यंत सभी लोग जो ज्ञानी हैं वहाँ तक सब लोग जो हैं मृत्यु से भयभीत है। इससे क्या अनुमान होता है कि जो मृत्यु है मरण के समय अत्यधिक कष्ट होता है, अत्यधिक दुख होता है। इसीलिए दुखम मरणम, मरण जो है वो दुख रूप है, दुख स्वरूप है। ये इससे के कारण हम अनुमान के द्वारा हम जान सकते हैं। आगे कहते हैं स्यादे तत् दुखादय प्राकृता बुद्धि गुणा तत् कथम एते चेतन संबंधिनो भवन्ति। तो कहते हैं ये दुख आदि जो है, सुख है, दुख है, मोह है, ये सबके सब जो है क्या है, प्राकृता बुद्धि गुणा, ये प्रकृति के गुण जो बुद्धि में आते हैं, और बुद्धि के ही ये गुण जो है सुख दुख मोह आदि है। तत् कथम एते चेतन संबंधिनो भवन्ति, वो चेतन के साथ इन दुख आदि का संबंध कैसे होता है, इसको बतलाते हुए इत्यत आह पुरुष इति। पुरुष अब पुरुष पद की व्याख्या कर रहे हैं, क्या है, पुरी माने लिंगे सेते इति पुरुषः। पुरी लिंगे माने लिंग शरीर में प्रधान जो बुद्धि है, उस बुद्धि में ये पुरुषः सेते, ये जो पुरुष है वो शयन करता है, वो सोया रहता है, इस कारण से इसको हम कहते हैं पुरी लिंगे सेते इति पुरुषः। और लिंगम च तत्संबंधी, ये जो लिंग शरीर है उसमें बुद्धि विद्यमान है, और ये बुद्धि के ही जो सुख दुख है वो सुख दुख उस लिंग शरीर में विद्यमान है, इस कारण से कहते हैं लिंगम च तत्संबंधी माने दुख का संबंधी, दुख से उसका संबंध है। इसलिए चेतनोपी तत्संबंधी, इसलिए चेतन का भी उस दुख के साथ संबंध होता है, भवति इत्यर्थः। चेतनोपी तत्संबंधी भवति, पुरुष के साथ भी सुख दुख आदि का साक्षात संबंध न होने पर भी परंपराया संबंध हो जाता है, इसी बात को बतलाया चेतनोपी तत्संबंधी भवति इत्यर्थः। कुतः पुनर्लिंग संबंधी दुःखं पुरुषस्य चेतनस्य इत्यत आह। कहते लिंग के साथ जिसका संबंध है, जिस दुख का लिंग शरीर के साथ है, उसका संबंध पुरुष के साथ कैसे है, तो उसको बताते हैं कि लिंगस्य विनिवृत्ते है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ लिंगस्य अविनिवृत्ते है, लिंगस्य अविनिवृत्ते है, जब तक पुरुष के साथ ये लिंग शरीर की निवृत्ति ना हो जाए, लिंग शरीर जब तक अलग ना हो जाए पुरुष से, तब तक जो है वो उसके संबंध के कारण, लिंग के संबंध के कारण, लिंग शरीर के संबंध के कारण पुरुष में दुख की प्रतीति होती है। क्यों, भेदाग्रहात् लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवश्यति पुरुषः। दोनों में दोनों भिन्न हैं, बुद्धि सत्वम भिन्नम पुरुषस्य भिन्नः इत्याकारक भेद ज्ञान न होने के कारण, अभेदग्रह के कारण, इसलिए का भेदाग्रहात् भेद के ग्रहण न होने के कारण, भेद ज्ञान न होने के कारण, दूसरे शब्द में कहें कि दोनों में अभेदग्रह के कारण क्या हो जाता है, तो लिंग धर्मान आत्मनि अध्यवश्यति, जो लिंग शरीर के जो धर्म है, बुद्धि के जो धर्म है, दुख आदि है, उन धर्मों को आत्मनि अध्यवश्यति, आत्मा में अर्थात बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष में उसका अभिमान करता है। अथवा ये यहाँ तक एक व्याख्या हुई, अब दूसरी व्याख्या जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अथवा दुखा प्राप्तो प्राप्तावधि प्राप्तावधि ही आंगा कच्यते, यहाँ अनिवृत्ते न करके हम कहेंगे अनिवृत्ते है, तो अनिवृत्ते में जो आंग है उस आंग के द्वारा क्या कहा जाता है, आंगा कच्यते माने आंग के द्वारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दुख प्राप्तावधि ही, दुख प्राप्ति कब तक होगी, उसकी अवधि क्या है, किस समय तक दुख की प्राप्ति होगी, उसको कहते हैं अविनिवृत्ति है, जब तक उसकी विनिवृत्ति ना हो जाए, जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति ना हो जाए तब तक, उसी को बता रहे हैं कि लिंगम यावत न निवर्तते, जब तक लिंग शरीर की निवृत्ति ना हो जाए, जब तक लिंग शरीर से यह जो आत्मा है पुरुष है वो अलग ना हो जाए, दोनों में विवेक जब तक ना हो जाए, तब तक जो है ये दुख
का संबंध उस चेतन के साथ होता है, इसी बात को यहाँ पर बताया। आ विनिवृत्ते इस विग्रह के साथ, तो इस प्रकार से अविनिवृत्ते करें तो भी वह अर्थ आ जाता है, और अविनिवृत्ते कहें तब भी वह अर्थ आ जाता है। इस प्रकार से इस कारिका की दो प्रकार की व्याख्या की गई। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम लोगों के लिए एक बड़ा ही शुभ दिन है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का आज भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। हम सब उसमें मन से सम्मिलित हैं, और आप सबको इस अवसर पर हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।